उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के खिलाफ चल रहे फर्जी टीसी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। दरअसल मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के ऊपर आरोप लगाया था कि फर्जी टीसी बनवाकर उसने अपनी उम्र कोर्ट में कम बताई और खुद को नाबालिग साबित किया। जी हाँ, आपको बताते चले कि यह मामला उन्नाव जिला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें 3 अगस्त को उन्नाव न्यायालय में पीड़िता के हाजिर न होने की वजह से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में गैर जमानती वारंट के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। साल 2017 में कुलदीप सेंगर पर माखी कांड की चर्चित पीड़िता ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त महिला नाबालिग थी, उम्र को लेकर स्कूल की टीसी प्रस्तुत की थी। उस वक्त पीड़िता सेंगर के घर नौकरी के लिए बात करने गई थी, जिसके बाद उसने विधायक के घर पर उसके साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। माखी कांड की पीड़िता ने खुद घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था। पीड़िता ने अपनी उम्र 18 से कम होने की बात कही थी, इसके लिए स्कूल की टीसी प्रस्तुत की थी, लेकिन आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने टीसी को फर्जी तरह से तैयार करने का कोर्ट में दावा किया था। लगभग एक महीने पहले पीड़िता के खिलाफ उन्नाव न्यायालय ने NBW जारी किया है। माखी कांड के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को CBI की 30,000 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा करीब 2 साल पहले सुनाई थी। प्रकरण ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं पीड़िता के चाचा के खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी सुनवाई उन्नाव के अलग अलग न्यायालय में चल रही है। पीड़िता के चाचा महेश सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।